आज के इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि वैदिक रीति से किसी भी संख्या में 11 का गुणा कैसे किया जाता है। टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 11 बाय वैदिक मेथड। हम देखेंगे कि पारंपरिक विधि में अधिक समय लगता है और स्पेस भी ज़्यादा लगता है, लेकिन वैदिक रीति से एक दृष्टि में एक पंक्ति में उत्तर आता है। तो हम लोग देखते हैं कि वैदिक रीति से 11 का गुणा किसी भी संख्या में कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम एक अंक लेते हैं, इसमें 11 का गुणा करने के लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल विधि है कि जितने बार एक लिखा हो उतने बार उस अंक को लिख दिया जाए। यहां पर दो बार एक लिखा हुआ है तो दो बार पांच लिखने पर ही उत्तर आ जाता है। यदि 7 में गुणा करना है तो हमको दो बार 7 लिखना होगा, ये उत्तर आ जाएगा। तो एक अंक का तो बहुत सरल है, दो अंक अगर हो, दो अंकों में यदि गुणा करना है 11 का तो कैसे करेंगे। मान लीजिए 34 में 11 का गुणा करना है, पारंपरिक विधि में 34 में 11 का गुणा करने के लिए 4 3 4 3 जोड़ा 4 7 3 इस प्रकार किया जाता है, लेकिन वैदिक रीति में सिर्फ 3 और 4 के बीच में थोड़ी जगह छोड़ी जाती है और 3 और 4 को जोड़ के बीच में लिख दिया जाता है। मतलब ये और ये जोड़ने के बाद ये जो आएगा ये हमारा उत्तर है 374। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 52 में गुणा करना है 11 का, तो 5 और 2 लिखने के बाद इनको जोड़ने के बाद यहां लिख दीजिए और यहां उत्तर आ जाता है 572। यदि 2 से अधिक अंक हो या ऐसी स्थिति आए कि दोनों अंकों को जोड़ने पर उनका योगफल 9 से अधिक आ रहा है तो हम कैसे करते हैं। जैसे में 11 का गुणा करना है, इसके नीचे 8 लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 का 5 यहां लिखेंगे और ये किसमें जुड़ जाएगा 858 इसका आंसर आएगा। एक और रन देखते हैं, इसको यहां वापस लिखा, इसको जोड़ा 13 आया, 13 का 3 ये लिखा और ये एक इसमें जुड़ जाएगा 737 इज द आंसर। यदि और बड़ी संख्याएं हो तो कैसे किया जाता है। मान लीजिए 11 का सबसे पहले यहां पर एक शून्य लिख लेना चाहिए, उसके बाद इसके नीचे यही संख्या उतार लीजिए, यही अंक उतार लीजिए, अब इन दोनों को जोड़िए 4 और 5 9, इन दोनों को जोड़िए 5 और 3 8, इन दोनों को जोड़िए 3 और 2 5 और इन दोनों को जोड़िए 2 और 0 2, ये इसका आंसर है। एक और उदाहरण लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करना है 11,
उसके लिए पहले यहां जीरो लिख लिया, ये फोर, फोर एंड थ्री इसको जोड़ा सेवन, थ्री एंड वन जोड़ा फोर, वन और टू को जोड़ा थ्री, टू एंड एट को जोड़ा तो यहां आया टेन, टेन का ये जीरो ले लिया, एट एंड सिक्स को जोड़ा फोर्टीन एंड दिस वन फिफ्टीन, फिर एक बचा सिक्स एंड वन सेवन, ये इसका आंसर होगा। एक अंतिम उदाहरण देखते हैं, इस संख्या में 11 का गुणा करना है। सबसे पहले यहां पर एक जीरो लिख दिया और अब 6 के नीचे 6, इनको जोड़ा 11 आया, 11 में से 1 यहां लिखा और ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, 5 एंड 4 9 एंड 1 10, 10 आ गया तो 0 यहां लिखा। अब ये इसको जोड़ा 4 एंड 3 7 एंड 1 8, 3 एंड 2 5, 2 एंड 1 3, 1 एंड 0 1, ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी संख्या में 11 का गुणा करना वैदिक रीति से बहुत ही सरल और कम जगह में हो जाता है। जय हिंद।